अब तुम मेरा माइंड रीड करके ये भी पता लगा सकते हो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। भरोसा कर भी रहा था उसका कोई फायदा नहीं है ईशा। आना नहीं रुकने वाली। तुम उन सब की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस इतना बताओ, तुम हमारे साथ हो? देहरादून में तुम्हें कंपेयर नहीं किया क्योंकि इस शहर के बाहर मैं तुमसे मिलना चाहता था। बिना मैजिक के, बिना ट्रिक के, असली ईशा के साथ असली लम्हे कैसे होते हैं वो महसूस करना चाहता था।